हेलो गाइस, तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आज हम एक आविष्कार करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा। यू सीरियस? माँ कसम, बस करूंगा यार, हंसो मत यार, प्लीज हंसो मत। तो हम एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं अल्बर्ट, नाम बोलना नहीं आ रहा है। गाड़ी गाड़ी। तो चलो आज मैं आप लोगों को करके बता ही देता हूँ यार। तो हम शुरुआत करते हैं इस जगह से। हमें हमारा आइंस्टाइन वाला दिमाग कुछ ज़्यादा लगाने के लिए हम यहीं से आविष्कार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, यहाँ से पहले हम पूरा इस वॉल को जो है अच्छी तरीके से खोद लेते हैं, और ये हमारा बिल्कुल सीक्रेट बेस होने वाला है, किसी को पता नहीं लगेगा, ठीक है? बिल्कुल, एक बटन दबाया तो हमारा पिस्टन का काम, आप अब देखना हमारी कितनी काम की पिस्टन है, ठीक है? तो हमको जिस साइड से इसको खोलना है उसी साइड से इसी का मुंह लगने वाला है। तो फटाफट पिस्टन पूरी की पूरी में लगा लेता हूँ, पूरी फिल कर लेता हूँ। तो ठीक है, हमारा पिस्टन का काम जो है पूरा हो चुका है। अब हमें को दिमाग लगा के सोचना है, यस, रेड स्टोन लगाना है हमें, पर रेड स्टोन में ये एक गलती कर रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं सारे रेड स्टोन तोड़ देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक गड्ढा और करना होगा। उसी के ही बाद जो है हमको यहाँ पर नहीं, इस जगह पे नहीं, मतलब एक साइड में, हाँ बस ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब इसके बाद पहले पूरी ग्रीन कर देता हूँ, जो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना यार। तो ये सीक्रेट बेस हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। ओ माय गॉड, भाई तूने देखा तो देखा कैसे यार। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर फटाफट से एक लीवर लगा देते हैं, ठीक है? तो हमारा लीवर वाला काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमको है ना, मतलब ये रेड स्टोन हम लगा तो सकते हैं, बट इससे प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम पहले एक और लाइन को खोद लेते हैं। हाँ, तो इसकी माइन करके इसके बाद हम रेड स्टोन लगाएंगे, ठीक है? तो पहले मैं ना पूरी अच्छी तरीके से माइन करके यहाँ से मैं रेड स्टोन, मतलब जो इसका वायर है उसको अच्छे से निकाल लेता हूँ, जिससे लगना चाहिए ना यार अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला दिमाग है हमारे पास भी यार। हंसना मत कोई, ठीक है? हाँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ वॉल लगा के उसके ऊपर लीवर लगा देता हूँ, जो लीवर से काफ़ी जो मतलब काफ़ी हद तक के अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर रेड स्टोन की लाइन निकाल के वहाँ से वायर निकाल देता हूँ, ठीक है? तो हमारा वायर जो पूरा निकल गया, देखते अब मिशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। ऊपर वाले का नाम लेके 2 3 1। ठीक है यार, अब रो मत यार, पछतावा करके कोई फायदा नहीं, मुझको तो याद था मेरे इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला दिमाग है। देख रहे हो भाई का दिमाग, देखते रहो बस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आगे आगे इससे भी अच्छी अच्छी इंटेलिजेंट चीज़ बताता रहूँगा, ठीक है? देख लो, मतलब यार पूरी अच्छी तरीके से, मतलब देख लो, ये देख लो हमारा अंडरग्राउंड रास्ता, सीक्रेट रास्ता। तो इस रास्ते के अंदर मैं सोच रहा हूँ, इस रास्ते के अंदर मुझको इसके पूरा मतलब पूरी तरीके से इसको छुपा देना है, कोई भी नहीं देखना चाहिए हमारे अलावा, बस हमको और आपको ही याद है ये रास्ता। तो है ना, मैं इसको छुपाने के लिए ग्रीन ब्लॉक्स लगा देता हूँ, मतलब पूरी तरीके से, इस तरीके से इसके अंदर पूरे आसपास किसी को दिखना नहीं चाहिए, शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जेन पेशी भाई का घर है, ठीक है? तो मैं पूरे इसमें ब्लॉक लगा लेता हूँ सही तरीके से, यहाँ पर लगने नहीं वाला है क्योंकि यहाँ पर वायर है, तो इसके ऊपर से हमें ब्लॉक्स लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम पूरे में ही ब्लॉक्स लगा देते हैं, ठीक है? पूरी जगह ब्लॉक्स लगा लेते हैं। यहाँ पर लग नहीं रहा है, मुझको समझ नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, पूरे में ब्लॉक्स लगा के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ से फटाफट ब्लॉक्स फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फटाफट यहाँ से मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है? तो पूरे ब्लॉक्स बनने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे हमारे पूरे के पूरे ब्लॉक्स लग चुके हैं यार, तो मतलब कितना अच्छा, एक बार ट्राई करके देखता हूँ अभी वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, तो मेरी बात सुनो, अब मुझे करना क्या है, इसको और अच्छी तरीके से फिल कर देना है, मतलब इसके अंदर हमें जाने का रास्ता बना लेना है अभी। तो इसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना है, पहले मैं थोड़ा मज़ा आ रहा है मुझको यूँ करने में, तो अच्छी तरीके से पहले मैं चेक कर लेता हूँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाँ, यहाँ पर इसको पूरा मतलब, अरे मैं
अभी है ना पूरे पहले अच्छी तरीके से मैं इसको खोद लेता हूँ, फिर उसके बाद इसके आगे क्या करना है वो बाद में ही पता चलने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ यार इस साइड से खोदूँ, बट अभी मेरे को कुछ पेड़ चाहिए जो पहले अच्छी तरीके से इसको छुपा दे। अगर ये छुपेगा नहीं ना तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये पेड़ लगा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम बात कर ले। तो पूरे पेड़ लग चुके हैं, अब बारी है पेड़ों को बड़ा करने की। इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं, मेरे पास ऐसी दवाई है जिससे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। पर ये वाला पौधा क्यों, ओ भाई ये भी बड़ा हो गया 2 मिनट के अंदर। ये वाला बड़ा क्यों, ओ भाई ये भी बड़ा हो गया यार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा नहीं हो रहा है, बट ये वाला बड़ा नहीं हो पाएगा इसकी पत्तियों की वजह से। बट इसके जो अपोनेंट साइड में है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। ये भी नहीं बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, जोन सा बड़ा होना है वो थोड़ी सी देर में ही बड़ा हो रहा है, और जोन सा नहीं हो पा रहा है वो उसको कितना ही टाइम रख लो वो बड़ा हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से इसकी ये भी तोड़ के देख लेता हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं। पहले मैं सारे पौधे बड़ा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अब मैं काम करता हूँ, जोन से पौधे बड़े नहीं हुए हैं उनको पहले मैं काम करता हूँ, ये लकड़ी वाली चीज़ है ना इससे मैं ढक देता हूँ, ठीक है। जोन से पौधे बड़े नहीं हुए ना, मतलब जो बीच बीच में रह गए उसको मैं इससे फिल कर देता हूँ। हमारे पास बहुत सारी वुड है, क्रिएटिविटी मोड में किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है, ठीक है। तो पहले ओ भाई इसने हमारा सीक्रेट बेस कैसे देख लिया, तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मार दिया है। ओ तेरी ये साउंड, ओ भाई विलेजर्स का घोड़ा, ओ भाई विलेजर्स हमको कहाँ से छुप के देख रहा है। ओ माय गॉड, विलेजर्स ने हमारा घर सीक्रेट बेस देख लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब इस विलेजर्स को पहले मैं मार लेता हूँ। देखो कैसा देख रहा था, देखो इस जालिम को कैसा देख रहा था हमारा छुपके से घर। तो एक काम करता हूँ, पहले इस कुत्ते को मार लेता हूँ, फिर उसके बाद ये PIG भी हमारा घर देख रहा था छुपके से, तो मारना तो इसको भी बनता है भिड़ू। तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से मार लिया, और हमारा घर, हमारा पेड़ यहाँ पर घूम चुका है। ओ भाई हमारा घर नहीं मिल रहा हमको, मतलब हमारा पेड़ नहीं मिल रहा है हमको हमारा। अरे हाँ भाई ये रहा हमारा पेड़, बाबा रामदेव जी का घर, ठीक है कोई बात नहीं। हमारा पेड़ जो है यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल चुका है। तो मैं पहले इसके अंदर पूरी अच्छी से वुड पूरी अच्छी से लगा देता हूँ, फिर आपको उसके बाद में दिखा दूंगा। तो बाबा रामदेव जी का घर पूरा फिल हो चुका है, तो कैसा लग रहा है एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता देना यार। तो यहाँ पर अंधेरा बहुत हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर मैं लाइट लगा देता हूँ, उसके बाद हमारा घर कैसा, मतलब हमारा जो सीक्रेट बेस है वो कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बता देना, ठीक है। तो पहले मैं इसके अंदर की जो झाड़े हैं वो सारी काट लेता हूँ, झाड़े काट लिए। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक जो है बल्ब लगा देता हूँ, जिससे हमारा मतलब काफ़ी अच्छे से दिखे हमको यहाँ पर होने क्या वाला है। तो यहाँ पर एक बार ऑन करके देख लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। ओ भाई मतलब यहाँ पर लगाना वुड है, और दिमाग देखो मेरा क्या काम कर रहा है ना। तो पहले एक काम करता हूँ, इसको ऑन करके देख लेता हूँ यहाँ से हटा के, क्योंकि अंदर है ऑलरेडी एक। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ हमारे सीक्रेट बेस को। तो यहाँ से ये ऑन हो गया, काफ़ी अच्छा ऑन तो हो गया मतलब पूरी तरीके से, बट हमको बाहर जाके देखना है सक्सेस है भी या नहीं। तो हाँ ये बिल्कुल सक्सेस है, मतलब ये चल रहा है एक नंबर तरीके से। तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको एक सीक्रेट बेस बनाना था, वो बन चुका है। अभी पूरे तरीके से अंदर से इसको खोदना है, और इसके अंदर से जो है हमें सीक्रेट बेस कर देना है, इसको पूरा सीक्रेट बेस बना देना है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, अभी रात हो गई, यहीं सो जाता हूँ मैं। और यहाँ पर जैसे उठा मैं, यहाँ पर पहले अच्छे से सो जाता हूँ, और सोने के बाद यहाँ पर जैसे दिन होता है वहाँ बारिश भी चल जाएगी। और यस मुझे याद था, और मैं काम करता हूँ पहले इसको पूरा खो, यहाँ पर एक लाइट लगा देता हूँ यार जिससे उजाला हो जाए, मतलब बिल्कुल उजाला ही नहीं है क्या, तो मज़ा नहीं आ रहा ना काम करने में। अब देखो अब कितना उजाला हो गया है यहाँ पे। तो पहले काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको खोद लेता हूँ अच्छी तरीके से, पूरे अच्छी तरीके से माइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो गाइज मैंने आधा तो खोद लिया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हमारा ये सीक्रेट बेस बना तो नहीं है अभी, क्योंकि हमने खोलने का तो रास्ता बना लिया है, बट बंद करने का रास्ता अब भी नहीं बना है यार। तो कुछ तो करना होगा, तो ठीक है मैं अभी दिमाग लगा के, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला दिमाग लगा के वापिस से मैं इसको बंद करने का जुगाड़ भी बनाने वाला हूँ। तो
तो गाइस पहले यहाँ पर मैं दरवाज़ा लगा देता हूँ। गाइस मैं तो अभी भी इसी बात की चिंता में हूँ, सीक्रेट बेस बनेगा तो बनेगा कैसे, तो वो तो मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके दिमाग लगा के मैं कैसे ही बनाऊंगा तो बना लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं काम करता हूँ, पहले मैं वो बना के आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो है ना, जैसे कि मैंने ये पूरा सीक्रेट बेस मेरा कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर देखो ये पुल कुल अब है ना पूरा बना के आप लोगों को वीडियो पोस्ट करके मैं दिखा देता हूँ। देख लो गाइस, इतना इतना हमारा काम हो चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम गुलाब बो देते हैं जिससे किसी को पता ना चले। ओ तेरी यार, तेरे को किसने बोला यार ये देखने के लिए यार, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये दूर दूर से क्या ही धुन मचा रहे यार। तो ठीक है, पहले अब पता तो नहीं चलेगा, गुलाब के पेड़ भी मैंने लगा दिए, ये बाबा रामदेव जी का कोई पेड़ दिख रहा है तो कोई डरने की बात नहीं, हमको किसी को पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यार ये इतने सारे जानवर आ रहे तो आ कहाँ से रहे, मुझे लगता है कोई देख के चला गया और पूरे गाँव में अफवाह फैला दी उसने। तो गाइस बारी आ चुकी है अंदर, एक बार चेक कर लेता हूँ बंद हो रहा है या नहीं, बंद हो रहा है नहीं चेक कर लेता हूँ। यस यस गाइस, आधा सक्सेस तो हो चुका है। अब सामने से वहाँ से भी बंद होगा और यहाँ से भी बंद होगा, तो बिल्कुल हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो किसी को भी पता नहीं लगने वाला है कि हमारा घर यहाँ पर है। मैं बिल्कुल इसको फील करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये बिल्कुल फुल्ली तरीके से फील हो चुका है और यहाँ पर अब हमें पहचानने वाला कोई नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम अंदर की थोड़ी माइन कर लेते हैं। तो मैं पहले अंदर की पूरी माइंड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद पूरे अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले फटाफट हम जो है यहाँ से माइंड कर लेते हैं सब चीज़ें, हमको मतलब तोड़ना है यार, बिल्कुल सीक्रेट बेस है ये, भाई का बेस है यार, बिल्कुल एकदम बिल्कुल हीरो लगना चाहिए यार कि वाह यार भाई, फरहान भाई ने बनाया, जैन फैसी भाई ने बनाया, लगना चाहिए यार अपना बेस है ये, ठीक है। तो यार अंदर से तो मैंने इसको पूरी तरीके से फिल कर दिया है, अब थोड़ा देखता हूँ और कहाँ कहाँ से बाकी है। तो ठीक है, ओ भाई यहाँ से कुछ दिख रहा है, अच्छा किसी जोम्बी ने हमको देखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से पहले अच्छे से फिल कर लिया है। तो आज की रात मैं यहीं सोऊंगा और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना यार, और भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगली बार इससे भी ज़्यादा दिमाग लेके आऊँगा मैं यार, हंसना नहीं कोई भी। तो मैं माइंड करके थक गया हूँ और मुझको अगर 10 कमेंट का रिस्पॉन्स मिल जाता है तो मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा माइनक्राफ्ट की, वरना नहीं बनाऊंगा। तो यार ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, मैं जा रहा हूँ सोने। तो वीडियो पसंद आए तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके बाय बाय।